एक डेट में है भाजपा की बारिश खत्म होगी, आपके घर बनाने के लिए मेरा पैसे दूंगा, ठीक है, घर बनाने के लिए पैसे दूंगा। सुनो मैं बता, बिजली का मीटर और पानी का कनेक्शन भी नहीं होंगे, और जिनके पास जगह नहीं है आपका सरकारी जगह है, सुनो आपकी जगह, आपके पास वैसे जगह है कहीं डेंजर एरिया में वैसे रह रहे थे? यहाँ नहीं, जो फ्लड में जगह गई है वो कुछ आपके नाम पर है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, है ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। आपको कोई जगह देगा, आपको गांव में कोई जगह खरीदने के लिए देगा? वो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ गाँव में कराए तो देर तक ही ऐसे मैं आपको ना 5,000 मेरा जमीन का किराए का दूंगा, दो तीन बरसात शुरू हुई हमने आपके लिए घर बनाने के लिए पैसे से हम आपकी उनको द्वारा वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम मरम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, अभी आपको 50,000 रुपये कपड़े देते हैं और किराए का मकान का जो है 5,000 रुपये, और जो मैं अलग जिंदगी से वृंदावन इंडिविजुअल जितने हैं सबको जितने हैं वो आप हमारे परिवार के लोग हैं, फिर जो इनके खेत गए हैं जिनके खेत उतरे हैं उसका भी मैं मुआवजा दूंगा, अभी मैं सुनना चाहती करूँगा ना, तो मैं अभी यहाँ आपको दे रहा हूँ, प्रत्येक परिवार, एक परिवार का एक सदस्य भी रहा है उसको भी 5,000 रुपया किराए का मिलेगा, 3 महीने अगले 3 महीने गैस का सिलेंडर खाना पीना और मिलेगा 50,000 रुपये। परिवार किस दशी जो अभी तक लापता है, मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के, एक मेरी बेटी, एक मेरी बेटी के दो बेटे, एक बेटा एक बेटी थे, नानी नानी मेरे, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं। कितने साल के थे? एक 7 साल की बेटी थी और 4 साल का बेटा था। लास्ट टाइम कब हुई आपकी बात उनसे? पढ़ते थे, लास्ट टाइम तो 3-4 दिन पहले बात हुई उनसे। अच्छा, लापता होने से पहले बात नहीं हुई कोई, अभी तक कुछ पता चल पाया? अब तक कोई पता नहीं, यहाँ तो कोई सुराग नहीं रखा, बिल्डिंग का सुराग नहीं रखा, कुछ नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपको कब पता चला घटना के बारे में? तो रात के 10 बजे लगे, 2 बजे लगा पता। अच्छा। 2 बजे जब इधर उधर से फोन आए कि SSS मेज में बाढ़ आई है, वो बाढ़ से जो है अभी तक जो है कम्युनिकेशन टूट गया है, किसी से संपर्क नहीं हो पाया। सुबह के समय पता लगा कि वहाँ जो है कुछ भी नहीं रहा है, कोई अंश नहीं रहा है, ना मकान का, ना आदमी का, कोई किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आप कहाँ थे उस टाइम जब आप? रामपुर था। आप क्या करते हो? मैं रिटायरी हूँ। फिर कौन था आपकी फैमिली से? फैमिली का कुछ नहीं हुआ ना जी, ऊपर को निकले हम तो मेरा गांव के सामने से गया। इस गांव से थे आप? रहते कहाँ थे आप? अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अनीता देवी। लेकिन जीरा खत्म हुआ था, मैं तो सोई थी ना, मेरा खड़ी ऐसा बेड में सीधे खड़ी खड़ी उठ के मैंने देखा ये क्या हुआ, परिस्थिति की लाइट लाइट वाले आए और मैं बोलोगे राखी क्या हुआ, ये क्या हुआ, पाचन मम्मी क्या हुआ, बोला फिर रही मैं वहीं ऐसे रही मैं वहीं ना फिर आए और मैं क्या हुआ तुम्हारे को क्यों है तुम वो आ रहे ऐसे ऐसे करके फिर टाई बोला खत्म किया बोले पर फिर वो तुम पानी पूछ गया भाई फिर तक हम ऊपर को नागे टागे ऊपर गाँव में। तो रात भर कहाँ गाँव में रहे? माता के मंदिर। क्या नाम है उस मंदिर का जहाँ पे थे आप? काली भगवती माता के मंदिर। कितने लोग थे आप वहाँ पे? 10-12 लोग यहाँ से जो गए थे ना जी।
बारी के बाद पंचायत खींचते हैं, सबका इंदराज है और हाउस टू हाउस सर्वे करिए, ठीक है। हाउस टू हाउस सर्वे में पता चल जाएगा किस घर से कितने हैं, उसमें जो सजरा नसब होता है सबका मेंशन, सब सब हाँ।